छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए सोचते कि सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो अपडेट निकल कर आ रहा है, आप सभी को बताना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो है पहली बार ग्राम सेवक के 12,800 पदों पर जो है सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है भर्ती अपडेट आया। आप ऐसे हर एक स्टूडेंट का सपना होता है ग्राम सेवक बनना, और ख़ासतौर पर जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट रहते हैं, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए जो है बहुत ही कम जॉब वैकेंसीज जो है देखने को मिलता है। जो BSc एग्रीकल्चर करते हैं उनमें से हर एक स्टूडेंट का सपना होता है ग्राम सेवक बनना, इसी वजह से वो BSc एग्रीकल्चर करते हैं। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है 12,800 पदों पर ग्राम सेवक की भर्ती होने वाली है, जिसमें आप लोग आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो 12,800 पदों के लिए जो है भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए आ चुका है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है 12,800 पोस्ट ग्राम सेवक के। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बताऊंगा कि 12,800 पोस्ट के लिए जनरल OBC SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना कितना पोस्ट और आप जो है किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ योग्यता के बारे में। तो ग्राम सेवक बनने के लिए आपके पास जो है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक की डिग्री जो है आपके पास जो है होना चाहिए। और इसके साथ आयु सीमा की बात करें तो आपका जो है मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो यदि आप 45 वर्ष के हैं फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के हैं आप आवेदन कर पाएंगे। सैलरी की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको जो है 18,000 रुपये जो है पर मंथ सैलरी दिया जाता है, और ये सैलरी आपका जो है धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें कि चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, तो चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर आपका बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर लाने, देन उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कट ऑफ लिस्ट के बारे में, जिससे आप लोगों को सभी जानकारी जो है मिल पाएगा। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि डिग्री वाइज पोस्ट जो है कितना कितना है, जिसमें आप लोग आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 1471 पोस्ट हैं, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 1115 पोस्ट है, SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 847, ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 624 पोस्ट हैं, EWS के लिए 356 और EXS के लिए जो है 90 पद हैं। और इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा के बारे में, ग्राम पंचायत सचिव के लिए जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 1095 पोस्ट हैं, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 830 पोस्ट है, ST SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 630, ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए जो है 464 पोस्ट हैं, EWS के लिए 265 और EXS के लिए जो है 66 पदों पर जो है भर्ती होना है। इसके साथ कमीशन सर्वेंट के लिए जो है जनरल कैटेगरी में जो है 1656 पोस्ट हैं, OBC के लिए 1255, SC के लिए 953, ST के लिए जो है 702, EWS के लिए जो है 401 पोस्ट हैं और EXS के लिए जो है 100 पदों पर जो है भर्ती होना है। और इसमें आप लोग आसानी से आवेदन कर सकते हैं। वहीं अब हम बात करें आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के कट ऑफ लिस्ट के बारे में कितना जाएगा, तो कुल 150 प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके जो है एक अंक के होते हैं। एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो है 3 घंटे का समय जो है दिया जाएगा। इसके साथ आपके जो है माइनस मार्किंग होंगे एग्ज़ाम्स में 1/4 आपके जो है माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। 4 प्रश्न गलत करने पर 5 नंबर आपका कट जाता है, इसी को बोलते हैं माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग। तो तैयारी करने के लिए आपको बताना चाहता हूँ ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में आपके जो एग्ज़ाम्स के लिए जो है मैथ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मैथ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैथ समय आपका अनुपात, सम अनुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लघु गणक, ये सभी चीज़ें, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, शंकु, त्रिकोणमिति, इन सभी से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित खरीदते हैं। यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से जो है पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएगा और आपको मैथ्स की संपूर्ण जानकारी मिलेगा। इसके साथ रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग जो तार्किक लॉजिक वाला वस्तुनिष्ठ अंकगणित आता है, तो रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपका दिया रहता है। तो रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दिया रहेगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ मैथ्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग के बारे में बता दिया, छत्तीसगढ़ के बारे में, CGGK के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की तैयारी करने के लिए आपको जो है कॉम्पिटिशन अकेडमी हरिराम पटेल सर का आपको जो है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन इस बुक को लेना चाहिए, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया रहता है। इसके साथ करंट अफेयर्स की बात करें तो CG करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्र का लेना है, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो CG करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है दोनों से प्रिपरेशन करना, और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको
प्रतियोगिता दर्पण लेना जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरह से आपके जो है छत्तीसगढ़ में सीजी करंट अफेयर्स एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके जो है करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। करंट अफेयर्स के जितना हो सके आप अच्छे से नॉलेज इकट्ठा कीजिए ताकि आप लोगों को बेहतर सभी चीज़ों के बारे में जो है अच्छे से जानकारी मिल सके, क्योंकि करंट अफेयर्स से ही आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे से नंबर आएंगे और आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आपको अच्छे से नंबर लाने के लिए हिंदी में आपका जो है पूरा व्याकरण पूछे जाते हैं हिंदी के लिए, जिसमें आपका हिंदी व्याकरण में आपका स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी संज्ञा समास मुहावरे लोकोक्तियाँ और पठित गद्यांश ये सभी आपके हिंदी व्याकरण में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हिंदी के लिए आपको जो है दिल्ली एस अकेडमी का बुक लेना। यदि आप दिल्ली एस अकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इसके साथ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका ग्रामर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंग्लिश के लिए आप ग्रामर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो इसेंशियल इंग्लिश अश्वन सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं ताकि आपको हिंदी ग्रामर्स की बेहतर नॉलेज मिल सके। ग्रामर्स में आपका नाउन प्रोनाउन टेंस वाइस नरेशन कंजक्शन प्रीपोजिशन आर्टिकल डिग्री क्वेश्चन टैग वन वर्ड सब इंस्टीट्यूशन सब ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट फिनिट वर्ब नॉन फिनिट वर्ब प्रेसिस राइटिंग ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेनिफिट्स होता है। तो इंग्लिश के लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश अश्वनी सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से जो इंग्लिश ग्रामर की बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे और आपको जो इंग्लिश के बारे में संपूर्ण नॉलेज देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आपके आने वाले समय में जो है ग्राम सेवक के 12,800 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती वैकेंसीज निकल कर आने वाला है, जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं 12,800 पदों पर। तो ग्राम सेवक बनने के लिए अभी से एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यदि आप अभी से मेहनत करेंगे तैयारी करेंगे तभी आप लोगों को एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप अभी से एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो अभी से मेहनत कीजिए तैयारी कीजिए तभी आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो इसी तरह से कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए तैयारी कीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाए। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वीडियो से आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स हैं, आप मुझसे कुछ भी चीज़ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप लोगों को नई नई वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे और कोई डाउट्स हो तो कमेंट अवश्य करना। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद, आप सभी का, तैयारी करते रहिए।